शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबुद्दीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक और मैं हूँ आपके साथ कनिका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने पोर्ट ब्लेयर में जिला न्यायालय भवन, पोर्ट ब्लेयर में एडीआर केंद्र प्रयास माया बंदर और डिगलीपुर में उपमंडल न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत में विभिन्न अदालतों में लंबित सैकड़ों मामलों का निपटारा किया गया। पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजे गए 71 प्री लिटिगेशन बैंक रिकवरी मामले और 20 बीएसएनएल रिकवरी मामले राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा निपटाए गए। माया बंदर में एक पीठ का गठन किया गया और 80 छोटे मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 60 मामलों का निपटारा किया गया। डिगलीपुर में एक बेंच का गठन किया गया और 12 प्री लिटिगेशन मामलों को संदर्भित किया गया, जिनमें से 2 प्री लिटिगेशन मामलों का निपटारा किया गया और 1,75,000 रुपए पर समझौता किया गया। पोर्ट ब्लेयर की पीठों की अध्यक्षता पोर्ट ब्लेयर में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश दूरी वेंकट श्रीनिवास, पोर्ट ब्लेयर में प्रथम न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कृष्णा कौली मुखर्जी ने की। पोर्ट ब्लेयर में द्वितीय न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट देवव्रत विश्वास, अधिवक्ता प्रीजा मेनन, अधिवक्ता सौम्य राजीव, अधिवक्ता प्रीता मंडल और अधिवक्ता सुश्री मेरिया डालिन तिक्री, सामाजिक उद्यमी के विजय कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत धंगाचल, सामाजिक कार्यकर्ता अनुराधा लाल और सामाजिक कार्यकर्ता MP अब्दुल रशीद उपस्थित रहे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।